झारखंड चैंबर की 21 कार्यकारिणी पदों के लिए चैंबर भवन में आयोजित चुनाव के पहले दिन 17% वोट डाले गए। चुनाव के पहले दिन यानी शनिवार को 610 सदस्यों ने मतदान किया। आज सुबह 9 बजे से दूसरे दिन के लिए मतदान जारी है जो शाम 7 बजे तक चलेगा। देर रात तक परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। चुनाव को लेकर सभी दलों के प्रत्याशियों में खासा उत्साह है। और हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं फोन लाइन पर। शाहनवाज, देखिए वोटिंग चल रही है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है और बहुत संभव है कि आज देर रात परिणाम भी जारी हो जाए। जी हाँ, ये 2 दिवसीय चुनाव है चैंबर का जो साल में एक बार होता है और इसमें पूरे राज्य से चैंबर के 3,500 के आसपास जो सदस्य हैं वो अपनी नई कमेटी चुनते हैं। परंपरा तो यही है कि इसमें दो टीमें होती हैं आमने सामने, 21-21 उसमें मेंबर होते हैं, लेकिन इस बार कंपटीशन ज्यादा है। 3 टीमें हैं, 2 टीमों में 21-21 और 1 में 14। बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से कल ही 2 बजे के बाद से वोटिंग शुरू हुई। 50% के आसपास वोटिंग हो चुकी है और आज बाकी वोटिंग 7 बजे तक सम्पन्न हो जाएगी। सुबह 9 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत उत्साह है, बहुत सद्भाव के साथ, कोई वैमनस्य नहीं, इस तरह की कोई दुश्मनी नहीं। लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं संयम के साथ और एक बहुत ही अच्छा उत्सवपूर्ण माहौल रहता है जो चैंबर चुनाव में, और चैंबर भवन में ही हो रहा है ये। रेडिसन ब्लू होटल के सामने जो चैंबर का कार्यालय है, 4th और 5वें तल्ले पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है और आज ही संभवतः जब समाप्त हो जाएगा 7 बजे मतदान तो 1-2 घंटे के अंदर परिणाम भी आ जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।